क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास अग्रवाल में सुबह 9 बजे से एक युवक का शव एक हाथ गाड़ी पर पड़ा दिखा, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। वहीं कुछ स्थानिकों ने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, जिसके कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामे में जुट गई। आपको बता दें कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों को दो वक्त का भोजन तक नसीब नहीं हो रहा। अब ऐसे में इस युवक की जान भुखमरी से गई या किसी अन्य कारण से, यह तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि जहां पर शव पड़ा था, उस जगह को वसई विरार मनपा के कर्मचारियों ने सैनिटाइज कर दिया है, ताकि कोई अन्य बीमार ना हो। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। मेरा नाम श्रीनिवास भाई है। ये एक नंबर विजयलक्ष्मी नगर के सामने का गली पे सुबह 9 बजे से ये बॉडी पड़ी है। फिलहाल हम लोगों ने कम से कम 5-6 जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर इसका मैसेज भेजा है, यहाँ के प्रेस लेवल पे भी भेजा है। अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं। यहाँ तक कि पुलिस वाले को सुबह का टाइम पे हमने इन्फॉर्म किए थे, अभी तक आया नहीं। यश माने हैं, मैं इधर का लोकल हूँ। आज सुबह 9 बजे इधर डेड बॉडी थी हाथ गाड़ी के ऊपर, तो हम लोग के लोकल लोगों ने पुलिस वाले को कॉल किया, महानगर पालिका वाले को कॉल किया, लेकिन कोई आया नहीं। एट लास्ट पुलिस वाला आया, खुद देखा, फिर वो जो डेड बॉडी थी उसको खुद टेम्पो में डाल के खुद पुलिस वाला चल, क्योंकि एम्बुलेंस एम्बुलेंस मिल रहा नहीं था, तो खुद पुलिस वाला टेम्पो चला के वो डेड बॉडी को लेके गया। फिर जो इधर के जो महानगर पालिका वाले थे, जो सैनिटाइज करने के लिए आ रहे थे, तो उधर जो सैनिटाइज करते करते हम लोग ने उनको बुलाया। देन जो हाथ गाड़ी थी जिसमें डेड बॉडी थी, वो हाथ गाड़ी पर सैनिटाइज पूरा करवा के फिर वो महानगर पालिका वाले चले गए।